हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट्स का जो नंबर है वो है 38 और टोटल जो सीट्स हैं दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की सीट्स हैं। एक तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है उसमें सीट्स हैं आपके लिए टोटल 683, और जो इनके अदर जो एफिलिएटेड सेंटर कह सकते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस आप कह सकते हैं, उसमें 229 सीट्स हैं और टोटल सीट्स हैं आपके पास 912। टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पर 38 हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, किसको एग्ज़ाम देना होगा, किसको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एंड तक मैं देने वाला हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 16 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म दोस्तों आज से ही स्टार्ट हुआ है 17 जनवरी से, और 29 तारीख तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर ABST। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो है 26। सेकेंड कॉलम में आपका जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके वो सीट्स शो की गई हैं। तो मैं आपको दोनों ही बताता चलता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 12 सीट्स हैं और सेंटर्स पर नील है, कोई भी सीट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 8 सीट्स हैं कैंपस में। बॉटनी में 39 है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33 है। केमिस्ट्री में 49 एंड 9 सीट्स अवेलेबल हैं। ड्रॉइंग एंड पेंटिंग में दोस्तों 11 सीट्स हैं। EAFM में 12 एंड 6 सीट्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स में 27 एंड नील, कोई भी सीट्स नहीं है। एजुकेशन में इनके पास यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदर सेंटर्स पर इनके 31 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश में 21 एंड 20, देन फ्रेंच में आप देखेंगे यहाँ पर 1 एंड 0 सीट्स हैं। देन इसके बाद है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 34 एंड 65, जियोलॉजी में 7 एंड 0, एंड ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ में 1 सीट है। इसके बाद है आपके पास हिंदी, हिंदी में 34 एंड 33 एंड 34 सीट्स हैं दोस्तों, ठीक है, एक सीट का फर्क है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में 26 एंड 0। देन इसके बाद आप आ जाते हैं होम साइंस, होम साइंस के अंडर में इनके पास है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें 4 सीट्स हैं एंड 0। देन है फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, यहाँ पर 12 सीट्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली, इसमें 7 सीट्स हैं। देन है जैन स्टडीज़ में 2 सीट्स हैं दोस्तों। लॉ में 43, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 12, मैनेजमेंट में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। देन इसके बाद मैथमेटिक्स में 25 हैं दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी में 1 एंड 12 सीट्स हैं, और दोस्तों मैथमेटिक्स में 25 एंड 20 सीट्स हैं, दो रिसर्च सेंटर्स पे भी सीट अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन में 4 सीट्स हैं, म्यूजिक में 14 है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में 2 सीट्स। इसके बाद आ जाता है फिलोसफी, ओनली 3 सीट्स। फिजिकल एजुकेशन में 16, फिजिक्स में 33 एंड 3 सीट्स। पॉलिटिकल साइंस में 19 एंड 21, साइकोलॉजी में 10। देन इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30, राजस्थान स्टडीज़ में 7, संस्कृत में 36, सोशोलॉजी में 18, स्टैट्स में 13 एंड जूलॉजी में टोटल 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपके पास हो जाती हैं टोटल 912 सीट्स। अब दोस्तों, ये पीएचडी एडमिशन है कहाँ से, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि जयपुर में है, एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी और है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी एप्लीकेशन नहीं आया हुआ है। फिलहाल जहाँ से एप्लीकेशन आया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने, और इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भी आई थी हमारे पास हमारे टेलीग्राम पर कि इसके रिगार्डिंग वीडियो को बनाया जाए। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन पर, जो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है सुबह 11 बजे से, 29 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं रात 12 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको और दिखा देते हैं इंस्ट्रक्शंस और क्या क्या है। यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेज वन में आपको क्या करना होगा, स्टेज वन यहाँ पर जो है प्रोसेस बताया गया है आपको फॉर्म फिलिंग का। स्टेज वन में सबसे पहले आपको जो है फॉर्म फिल करना है, आपको एक यूज़र आईडी जनरेट की जाएगी, पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड को बहुत ही क्लियरली बहुत ही सेफली सेव करके रखिएगा आगे के लिए, ठीक है। और स्टेज टू में आपको क्या करना होगा, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना है इसके बाद आपको, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स 10, 12 PG फाइनल ईयर और नेट GRF का सर्टिफिकेट या MPhil, ये जो भी आपने किया हुआ है वो सब आपको सबमिट करना होगा। फीस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फीस बहुत ही हाई फाई फीस ली जा रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं। पेमेंट आपको करना होगा 3085 का, ठीक है, पर पेपर, यानी कि पर सब्जेक्ट के लिए आपको 3085 पे करना होगा। अगर आप एक से दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे करना होगा। देन यहाँ पर प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करना है लास्ट स्टेप में,
और यहाँ पर आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताई हैं इन्होंने। एप्लीकेशन फॉर्म 17 से 19 तारीख तक, ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 29, देन एडमिट कार्ड जनरेशन आपका होगा 5 जनवरी, यानी कि सॉरी 5 फरवरी को अपना एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 फरवरी है एंड डिस्प्ले ऑफ आंसर की ऑन यूनिवर्सिटी 10 फरवरी, 10 तारीख को शाम को 5 बजे ही आपकी आंसर की भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ग्रेवांस इन द अपलोडेड फॉर्मेट, अगर आपको कोई दिक्कत है आपके रिजल्ट से तो आप 14 तारीख तक कोई जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इसमें, ठीक है, जो ईमेल दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑफ रिवाइज आंसर की 22 तारीख को आपकी रिवाइज आंसर की आएगी और 24 तारीख को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है इसको बोलते हैं यूनिराज पैट एग्जाम, जो कि 2021 और 22 सेशन के लिए कराया जा रहा है। इनका सेशन लेट चल रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 2021 और 22 सेशन का दोनों का ही यहाँ पर कंबाइंड कराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सीटों की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पेज पर ले चलता हूँ। ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, और जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है DSC डीलिट एडमिशन 2023, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन और नो योर यूज़र ID, फॉरगॉट यूज़र ID, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वैकेंट सीट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम इसका वो देख लेते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए PhD रिलेटेड एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस देखना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डिनेंस में ही सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट ईयर आपका 1 ईयर या 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो होता है, या 4 ईयर 8 सेमेस्टर वाला सेमेस्टर प्रोग्राम होता है PG वाला, वो आपने किया हुआ होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा SC ST और नॉन क्रीमी लेयर्स को, जो कि आई थिंक जो राजस्थान स्टेट के होंगे उन्हीं को ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ PG आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेट GRF आपके पास है, उसके लिए आपको अलग से मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसको यूनिराज पैट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर स्कीम आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपके दोस्तों आएंगे। 75 क्वेश्चन में पहला जो 75 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, और 75 क्वेश्चन जो आपके अदर होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। 2 घंटे का दोस्तों आपका पेपर होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। GRF वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट सेट और MPhil वालों को 7 मार्क्स मिलेंगे, PG वालों को, UG वालों को, 12th वालों को किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे वो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। इंटरव्यू के आपके 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनेंस, और यहाँ पर दोस्तों एग्जाम सभी को देना है, चाहे आप GRF हो चाहे नेट हो, सभी को एग्जाम देना है। एग्जाम के बेसिस पर ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इसकी वेबसाइट पर, जब आप विजिट करते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस को लेकर के बड़ा परेशान होते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिलेबस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी में आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। एजुकेशन फैकल्टी से है तो एजुकेशन का अलग है, लॉ का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, साइंस का अलग है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख लेंगे बाकी आपको जो अदर जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके सिलेबस हैं, ये देखिए पूरा डिटेल में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, इकोनॉमिक्स का हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए पूरा सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, इसी को आपको प्रिपेयर करना है, यहीं से आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। सैंपल पेपर देखना चाहते हैं, सैंपल पेपर भी देखिए नीचे दिया हुआ है, सैंपल पेपर पर क्लिक करिए, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन सकता है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, ज्योग्राफी का हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये पेपर यहाँ पे ओपन हो गया है। 24 पेजेस का ये पेपर है, और 2019-20 का ही ये पेपर है, यानी कि जो इन्होंने लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया है उसी का ही इन्होंने पेपर अपलोड किया हुआ है। तो आप पूरा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आप देख करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इजीली इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर होगी, और अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म कैसे आपको भरना होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने नेम ऑफ कैंडिडेट
आपके पास फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, रिलीजन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, इतना सब फिल करके आपको ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करना होगा। इतना करते ही आपके पास आपकी रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और जो है आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। देन इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे लॉगिन पे, लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और साइन इन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्म है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर लीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। आपकी मैं 100% हेल्प करूंगा फॉर्म भरवाने में, या कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसको 100% सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन या फिर किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।